जाएगी ना। गाना छोड़ के गाना अब मुझसे ये एक साल बाद मिलेंगे ना। हाँ एक साल बाद क्यों तू मर जाएगी क्या एक साल बाद? काला सूट पाने जदों लग दियां कैर लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएगी। चक दियां अख फिर तक दियां लगदा है हस के ही जान लै जाएगी। बहुतियां पड़ाकुआं दे हो गए ध्यान भंग पए छिड़कारे वी नहीं पाई वंग तों। हो काले जे लिबास दी शकीनण कुड़ी मौसम के आजाद परिंदे हाथों में है उसके या वो बहारों सी है सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम। ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे ये मैंने की ख्वाहिश ये ये हमारी ब्लॉगर देखो कैसे आराम कर रही है। थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। थक गई है ये इसके बाल से ला रही है वो मेरे को तो कोई प्याल ही नहीं करता। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल प्यार करते ये हम दोनों से ज्यादा प्यार करती है तभी तो ब्लॉगिंग देख कैसे कंडीशन में बना रही है। हम दोनों से तो ज्यादा प्यार करती है। ये मेरी सोनिया की झुमकी ये फाइनली हम लोग फ्री हो गए वहाँ से। बहुत घूमे फिरे बहुत मस्ती किया। अभी हम जा रहे हैं कहाँ? मार्केट नहीं तो ट्यूब के पास आप लोग को पता होगा एक मार्केट है। नहीं बहुत अच्छी कमरा लग रही है तो वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे थोड़ी। ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये हम आ गए कमला नगर के मार्केट में और जबरदस्त क्राउड है। और ये हमारी नीलो बिल्कुल थकी हुई बिल्कुल परेशान होते हुए ये सोच रही मैं कब घर चली जाऊं। देख लो आप लोग देख रहे शाम होने आई है मेरे ख्याल से 6 बज गए साढ़े 6 हो गए होंगे। और अभी हमारा जाने का मन नहीं कर रहा एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। सोनिया चली गई आगे शॉपिंग चली है और हम क्या कर रहे हैं देखना चाहते हो? रुको ये देखो मुझे मेरा मन हो रहा था इसने देख लिया ऐसा देख रही थी ये कह रही तरह खाने का मन हो रहा खा ले तो नीलो मेरे को खिला रही शक्करकंदी मुझे पसंद है। स्टार्ट कर दिया खाना। कैसी खुशी वाह वाह मजे लेते हुए लड़की ये कैसा है
रहे हैं, तो बस जल्दी से आप रिक्शा करते हैं। सारी शॉपिंग किसने करी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों ने भी किया है, वही है ना मुझे पागल बना रहे। मेरे हाथ में पन्नियाँ है ना, तो ज़्यादा दिखा दे रही है, थैले ना देखो। तो अब चल रहे हैं मेट्रो की तरफ, और मुझे तो लग रहा है कि नहीं लो ये तो जल्दी टाइम से पहुँच जाएगी, क्योंकि मेरे को 20 मिनट तेरे को लगेगा, 20 मिनट इसको लगेगा, लेकिन हमारे को 1-1.5 घंटे लगने वाले, तो हमारी लंका लगने वाली है। ये 9 बजे पहुँचेंगी। ये हमारे थोपड़े पे 12 बज चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये स्टेशन देखो विश्वविद्यालय का, और अब हम जा रहे हैं सीधा घर जाने। हम बहुत गंदे वाला थक चुके हैं, सोनिया तो थकी चुकी है, मैं तो कुछ ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अभी हम जाएंगे घर, उसके बाद चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना पीना भी बनाना है। चल वहां तक चला हमारे साथ नीलो, देख कैसे पकड़ा गया उसका, छोड़ेंगे नहीं हम तेरे को। तो अभी जा रही है पहली, तो बाय, मिलते हैं जल्दी। थक गए हैं, तो अभी जा रहे हैं रिक्शा लेने। रिक्शा लेकर पहुँचे घर, और सोनिया तो चाहिए चाय, और मुझे तो खैर हुई में चाय लवर, हम दोनों ही हैं, चाय पियेंगे मस्त। फाइनली हम घर आ गए और बहुत थक गए हैं, सोनिया का ये चेंज करने हैं, और अजय जी से मैं चाय के लिए बोल रही हूँ। और अजय जी देखो, ये देखो फोन में कुछ ऑर्डर कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ अजय जी, मेरे लिए साग ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पालक सरसों का साग खाने का मन हो रहा है, हो जाता है ना अपने अपना मूड होता है। और फिलहाल अभी मैं पीऊँगी चाय, चेंज करके चाय पीऊँगी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, खूब मज़ा आया लिटरली। तो बहुत टाइम बाद ऐसे हम लोग तीनों साथ में मिले, हालांकि सोनिया के साथ तो खूब घूमी हुई उन रास्तों पर, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा था कि नीलू हमारे साथ थी, तो बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए